फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बीजेटी या फिर जिसे हम कह सकते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि गेट, नेट और जो भी जेम वगैरह के एग्जाम होते हैं सब में बीजेटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम डिसाइड कर रहे हैं, हमने डिसाइड किया है कि हम बीजेटी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करें। लेकिन प्रॉब्लम्स डिस्कस करने से पहले थोड़े बेसिक्स हम समझ लेते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होने वाले हैं। तो बीजेटी मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है एनपीएन और एक होता है पीएनपी। अब एनपीएन और पीएनपी कैसे पहचानते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। बीजेटी एक्चुअल में एक तीन जंक्शन होते हैं, तीन टर्मिनल्स होते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए तीन सेमीकंडक्टर हैं, पहले सेमीकंडक्टर को हम एमिटर कहते हैं, एक को बेस कहते हैं, एक को कलेक्टर। तीन सेमीकंडक्टर्स को हमने यहां पर सैंडविच किया हुआ है तो हमें दो जंक्शन मिल रहे हैं, एक एमिटर बेस्ड जंक्शन है और एक कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है। तो अब यहां पर इन तीनों को हम किस तरीके से, कौन सा सेमीकंडक्टर रखते हैं उसके बेसिस पर हम दो तरीके के ट्रांजिस्टर रख सकते हैं। सेमीकंडक्टर मेनली डोपिंग के हिसाब से डिसाइड होता है। एक होता है एन-टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी रखी है, और एक होता है पी-टाइप सेमीकंडक्टर, अगर हमने ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी रखी होती है। पेंटावेलेंट जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें से किसी को रखते हैं, और पेंटावेलेंट ये तो पेंटावेलेंट हो गया, ट्राइवेलेंट जैसे कि बोरोन फैमिली में से हम कोई किसी को रखते हैं। अगर हमारा ये एन है, ये पी है और ये एन है तो इसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और अगर ये पी है, ये एन है और ये पी है, मतलब दो पी के बीच में एक एन को सैंडविच किया है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, और अगर दो एन के बीच में पी को सैंडविच किया है तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। किसी भी ट्रांजिस्टर का जो सिंबल आप देखोगे तो उसमें एक एरो रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, एरो हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा। अगर ये ऐसा इस तरीके से है तो मतलब ये पी सेमीकंडक्टर से एन सेमीकंडक्टर की तरफ जाएगा। तो आप इसका देखिए नाम लिख सकते हैं, ये अगर पी है, ये अगर एन है तो ये ऑटोमेटिकली एन हो जाएगा, ये हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर होगा। इसमें भी आप एरो के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, एरो हमेशा पी से एन की तरफ जाता है, ये हमारा पी होगा, ये हमारा एन होगा, ये पी है, ये एन है तो ये भी पी हो जाएगा, तो ये हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर है। एरो से एक और चीज पता चलती है, एरो जो है वो हमेशा बताता है कि जो हमारा एमिटर करंट है वो किस डायरेक्शन में है। तो उसका मतलब ये एरो अगर इस डायरेक्शन में है तो हमारा जो एमिटर करंट IE है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली यहां पर एरो ऊपर की तरफ है तो हमारा IE ऊपर की डायरेक्शन में ही होगा। यहां पर तीन तरीके के करंट हम पढ़ेंगे, एक होता है एमिटर करंट, एक होता है बेस करंट, एक होता है कलेक्टर करंट। एमिटर करंट को IE से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस करंट को IB से, और कलेक्टर करंट को हम IC से इंडिकेट करते हैं। यहां पर हम दो तरीके के गेन पढ़ते हैं, और गेन पढ़ने से पहले ये जो तीन करंट्स मैंने आपको बताए हैं इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है कि जो एमिटर करंट है IB वो बेस करंट और कलेक्टर करंट के सम के बराबर होता है। IE = IB + IC। आप इस KCL या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके बाकी करंट्स की डायरेक्शन भी देख सकते हो। अगर मेरा करंट IE इस डायरेक्शन में है तो मेरा IB इस डायरेक्शन में होगा और मेरा IC इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो ये दोनों जुड़ के IE बनेंगे। सिमिलरली अगर IE ऊपर की तरफ है तो यहां इस जंक्शन में करंट इधर आया है तो ये दोनों करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और IB और IC की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो हम एरो से काफी सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर का टाइप क्या है, एनपीएन और पीएनपी, करंट की डायरेक्शन क्या है विभिन्न कलेक्टर, बेस और एमिटर के पास। यह है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हम हर टाइम इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर कुछ कॉन्फिगरेशंस होते हैं, एक होता है कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर और एक होता है कॉमन कलेक्टर। मेनली ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमेशा कॉमन एमिटर के ही पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस कॉमन बेस के भी पूछे जा सकते हैं, कॉमन कलेक्टर के क्वेश्चंस काफी रेयर केस में पूछे जाते हैं। वैसे ये होते क्या है हम ये देखेंगे। देखिए यहाँ पर तीन टर्मिनल हैं, अगर एक टर्मिनल को हम कॉमन मान लें, कॉमन का मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एमिटर को कॉमन मान लिया और ये बेस को मैंने इनपुट सर्किट मान लिया, कलेक्टर और एमिटर का ये जो सर्किट है उसको मैंने आउटपुट सर्किट मान लिया, तो ये जो एमिटर है वो इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन का काम कर रहा है तो इसलिए इसे हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कह सकते हैं। उसी तरीके से कॉमन बेस भी आप बना सकते हो, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। ये मेरा बेस है जो मैंने ग्राउंड किया हुआ है और ये मेरा एमिटर है और इधर डायरेक्शन में मेरा कलेक्टर है, तो ये जो
इनपुट हो गया, इस साइड में आउटपुट हो गया, बेस क्योंकि कॉमन का काम कर रहा है तो उसे कॉमन बेस कह सकते हैं। तो इस तरीके से तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम निकालते हैं एक गेन फैक्टर जिसे हम करंट गेन कहते हैं। तीन तरीके के कॉन्फ़िगरेशंस हो सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस की अगर हम बात करें तो बेस एक कॉमन का काम करेगा इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो इनपुट की साइड में हमारा एमिटर होगा, आउटपुट की साइड में हमारा कलेक्टर होगा और बेस दोनों का एक कॉमन टर्मिनल की तरह काम कर रहा है। इस सर्किट को हम इनपुट सर्किट कहते हैं, इसको हम आउटपुट सर्किट कहते हैं। ये इसका इस तरीके से कुछ डायग्राम है। अगर हम IE equals to IB plus IC इक्वेशन को यूज करें तो हमारा अगर IE करंट इस डायरेक्शन में है तो IB और IC हमारा इस तरीके से होगा। ये थोड़ा उल्टा हो गया है, IC हमारा इस डायरेक्शन में होगा और इसकी बैटरी का टर्मिनल ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें ऐसा सर्किट जिसमें कॉमन बेस होता है इसका जो गेन होता है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा मतलब करंट गेन और गेन को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। इस केस में आउटपुट करंट हमारा आईसी है और इनपुट करंट आईई है तो अल्फा हो जाएगा आईसी बाय आईई। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें एमिटर दोनों का कॉमन का काम कर रहा है, ये बेस टर्मिनल है, ये हमारा कलेक्टर टर्मिनल है। इसे आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको बी से और इसको ई से। तो इस केस में जो गेन होता है करंट गेन जिसे कहते हैं उसे बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। बीटा मतलब करंट गेन इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर भी आउटपुट करंट आईसी है, इनपुट करंट आईबी है तो उसे हम आईसी बाय आईबी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड करंट गेन इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रिलेशनशिप आए, अल्फा और बीटा में एक रिलेशनशिप अगर हम चाहते हैं तो देखिए ये हमारी स्टेटर इक्वेशन है। एमिटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं आईसी से डिवाइड कर दूं तो उसे कह सकते हैं आईबी बाय आईसी इक्वल्स टू आईई बाय आईसी इक्वल्स टू आईबी प्लस बाय आईसी प्लस 1। इसको हम कह सकते हैं 1 बाय अल्फा, इसको हम कह सकते हैं 1 बाय बीटा और इसको कह सकते हैं 1। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके आप ले सकते हैं जो अल्फा है करंट गेन इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ये होता है बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, या फिर बीटा जो कि करंट गेन इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमने बेसिक चीजें पढ़ी। पहले कि आईई इक्वल्स टू आईबी प्लस आईसी होता है, करंट गेन इन कॉमन बेस हमारा अल्फा जो है वो आईसी बाय आईई होता है और बीटा जो है वो आईसी बाय आईबी होता है और उनके बीच में ये दो रिलेशनशिप होती हैं कि अगर बीटा पता है तो हम अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा पता है तो हम बीटा निकाल सकते हैं। मेनली जो ज्यादातर क्वेश्चंस होंगे वहां पे आपको बीटा दिया जाएगा और उसके हिसाब से आगे क्वेश्चंस करने होंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे वो हम अभी देखेंगे। वो देखने से पहले अभी हम समझना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर के रीजन ऑफ ऑपरेशंस क्या-क्या होते हैं, एक्टिव मोड, सैचुरेशन मोड या फिर कट ऑफ मोड या फिर रिवर्स एक्टिव मोड, चार तरीके के रीजंस हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं वो हम समझना चाहते हैं। उसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी जंक्शन कब फॉरवर्ड वाइज होता है और कब बैक रिवर्स वाइज होता है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम डायोड की समझने की कोशिश करेंगे। बीजेटी के रीजन ऑफ ऑपरेशन को समझने से पहले हम थोड़ा डायोड के बारे में जानकारी करते हैं। जैसे कि बीजेटी तीन सेमीकंडक्टर्स को हमने सैंडविच किया होता है, यहाँ पर केवल दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप होता है और एक पी टाइप होता है। तो इनका ये जो जंक्शन है हमें ये देखना है कि ये जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज है। तो इसको अगर सिंबल में रिप्रेजेंट करें तो इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एक डायोड का सिंबल होता है। तो अगर P की तरफ वोल्टेज V1 है और N की तरफ वोल्टेज V2 है तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं कि V1 is more than V2 और दूसरा केस V1 is less than V2। तो अगर P की साइड की वोल्टेज N की साइड की वोल्टेज से ज्यादा है, मतलब V1 हमारा V2 से ज्यादा है, तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइज होता है। और अगर V1 हमारा V2 से कम है, मतलब P की साइड आपने कम वोल्टेज लगाया है, N की साइड ज्यादा लगाया है, तो यही जंक्शन हमारा बैकवर्ड वाइज या फिर कह सकते हैं रिवर्स वाइज, रिवर्स वाइज बोलते हैं, इस शॉर्ट में फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जंक्शन का पता करते हैं कि जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स। अगर पी की साइड ज्यादा तो फॉरवर्ड वाइज, अगर पी की साइड कम तो रिवर्स वाइज। इसी को अगर हम ट्रांजिस्टर में चेक करें तो जैसे हमारा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो ये इस बेस की कुछ वोल्टेज होगी वीवी और एक दूसरा इस एमिटर की वोल्टेज को हम वीई से इंडिकेट करते हैं और कलेक्टर की वोल्टेज को वीसी से। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका डायग्राम बनाया था, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, मतलब यहाँ पे दो जंक्शन बन रहे हैं, एक एमिटर और बेस के बीच में है
और एक बेस और कलेक्टर के बीच में है। तो एमिटर और बेस को अगर आपको चेक करना है तो देखिए एमिटर की वोल्टेज और बेस की वोल्टेज को आपको कंपेयर करना होगा। तो क्योंकि बेस हमारा पी टाइप है तो अगर बेस की वोल्टेज एमिटर की वोल्टेज से ज्यादा है मतलब VBE VB माइनस VE अगर मेरा जीरो से बड़ा है तो ये जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये एमिटर बेस जंक्शन है और ये मेरा कलेक्टर बेस जंक्शन है। तो अगर मेरा VBE मोर देन 0 है तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, अगर लेस देन 0 है तो यही जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर CBG मतलब कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करें, ये मेरा पी टाइप है ये मेरा एन टाइप है तो बी की साइड ज्यादा होना चाहिए एन की साइड कम होना चाहिए। तो अगर मेरी VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेज मतलब एन पर अगर ज्यादा है पी पर अगर कम है तो अगर VCB 0 से बड़ा है तो ये जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, अगर VCB 0 से छोटा हुआ तो ये मेरा जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जंक्शन को डिसाइड कर सकते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। अब जंक्शन की फॉरवर्ड और रिवर्स बायस होने के बाद अब हम चेक कर सकते हैं कि हमारा रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है। अगर मेरा एमिटर जंक्शन इधर है कलेक्टर जंक्शन इधर है अब उनके बेसिस पर कैसा रीजन ऑफ ऑपरेशन रहने वाला है वो हम देखेंगे। अगर दोनों ही जंक्शन फॉरवर्ड वाइज है ये भी फॉरवर्ड वाइज ये भी फॉरवर्ड वाइज तो इस रीजन ऑफ ऑपरेशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। अगर एमिटर जंक्शन हमारा फॉरवर्ड वाइज है कलेक्टर जंक्शन हमारा रिवर्स वाइज है तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। अब ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस एमिटर वाला और ये फॉरवर्ड तो ये जस्ट उल्टा हो गया, एक्टिव में ये फॉरवर्ड था ये रिवर्स था, अभी ये वाला रिवर्स है ये वाला फॉरवर्ड है तो इसे हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिव या फिर इनवर्स एक्टिव। अगर दोनों ही रिवर्स बायस हो गए तो इस रीजन ऑफ ऑपरेशन को हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। जैसे हमारा एक स्विच होता है ना, स्विच में क्या होता है कि अगर हमने 0 अप्लाई किया तो 1 दे देता है, 1 अप्लाई किया तो 0 देता है। तो बेसिकली अगर हमने ये कट ऑफ रीजन रखा तो हम 0 अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा सैचुरेशन है तो सैचुरेशन के टाइम पर कलेक्टर और एमिटर एक तरीके से सॉल्ट हो गए कि जो आपका करंट कलेक्टर पे होगा वही एज इट इज करंट एमिटर के पास पहुंच जाएगा, बेस का कोई रोल नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ में क्या होता है देखिए बेस एमिटर और कलेक्टर तीनों ही एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए हैं तो सारे के सारे जंक्शन जो है हमारे ओपन हो चुके हैं तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। सारे करंट जीरो आईसी जीरो आईबी जीरो और आईई भी जीरो, सैचुरेशन में केवल आईबी जीरो होता है, बेस करंट जीरो लेकिन एमिटर और कलेक्टर करंट इक्वल होते हैं उसे सैचुरेशन कहते हैं और यहाँ पर एमिटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट सब जीरो है। तो ये हमने देखा कि कैसा रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बीजेटी के हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके थ्रू हम किस तरीके से इनको इंप्लीमेंट करना होता है वो हम समझ सकें। आगे भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के लिए एक क्वेश्चन मैंने लिया है, ये नेट जून 2015 का एक क्वेश्चन है। इसमें दो डायग्राम आपको दिए हुए हैं, डायग्राम ए और डायग्राम बी, और दोनों में पूछा गया है कि जो ट्रांजिस्टर है उसका रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो किस रीजन में काम कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि रीजन ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करने के लिए आपको तीनों जंक्शंस की वोल्टेज कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो अगर यहाँ पर आपको सिलिकॉन डायोड दिया हुआ है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, तो बेस और एमिटर के बीच की वोल्टेज को तो आप डायरेक्टली 0.7 वोल्ट कह सकते हैं और ये जो आपको इनपुट वोल्टेज दी हुई है वो 10.7 है जो कि 0.7 से काफी ज्यादा है। इसका मतलब बेस की वोल्टेज एमिटर से ज्यादा है। तो जब बेस की वोल्टेज एमिटर से ज्यादा है और एनो हमारा इस तरीके से है तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो तो NPN है तो P पर N से ज्यादा वोल्टेज है तो ये जो जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। तो पहला जो इनपुट जंक्शन है वो तो आप आसानी से कैलकुलेट किया, अब हमें ये जो आउटपुट जंक्शन है इसको कैलकुलेट करना बाकी है। उसके लिए हमें इस आईसी करंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा और आईसी करंट पहले हम आईबी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनपुट पर अगर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन आएगी 10.7 माइनस 10k * आईबी माइनस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहां से हम आईबी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 मिली एंपियर। अब आईबी अगर हमारे पास आ गया तो आईसी निकालने के लिए हम अपना करंट गेन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू आईसी अपॉन आईबी, तो हमारा आईसी आ जाएगा बीटा आईबी, बीटा 100 है तो आईसी हो जाएगा 100 मिली एंपियर। अब जैसे ही हमने आईसी कैलकुलेट किया तो फिर से हम आउटपुट सर्किट के अंदर केसीएल लगा के किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल लगा के हम ये आई VC कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन आएगी 10
माइनस टू इंटू आई सी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप बी सी जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 190 वोल्ट। ये हमारा एन था, ये हमारा बी था, तो बी जो है वो पी था, तो देखिए पी पर तो हमारी है 0.7 जो कि प्लस की है, और एन पर है हमारी वोल्टेज माइनस 190 जो कि 0.7 से काफी कम है। तो इसका मतलब जो पीएन जंक्शन है वो कैसा हो गया, पी पर ज्यादा एन पर कम, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो हमारा पीएन जंक्शन जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा तो जो आउटपुट सर्किट है वो भी एक फॉरवर्ड बायस है, तो एमिटर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस, इसका मतलब दोनों फॉरवर्ड बायस हैं। तो इस रीजन ऑफ ऑपरेशन को हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन, तो इसका हमारा सैचुरेशन रीजन हो जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने हर लोड की वोल्टेज कैलकुलेट की और फिर चेक किया कि जो एमिटर जंक्शन है और जो कलेक्टर जंक्शन है उनके जंक्शंस फॉरवर्ड बायस हैं कि रिवर्स बायस हैं। इस केस में दोनों ही फॉरवर्ड बायस और दोनों फॉरवर्ड मतलब सैचुरेशन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर इसी सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, इस 10.7 की जगह पर 5 वोल्ट है और जो 2K है उसकी जगह पर 1K का एक रेजिस्टेंस लगाया गया है, बाकी सब कंडीशंस सेम है, बीटा 100 की बजाय 10 है। तो फिर से हमारा बेस टू एमिटर जंक्शन की वोल्टेज 0.7 होती है, तो बेस पर वोल्टेज ज्यादा है एमिटर से, और एरो को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो पी पर ज्यादा है एन से, तो इसका मतलब ये जो इनपुट जंक्शन है एमिटर जंक्शन है वो हमारा फॉरवर्ड बायस है। फिर से हमें बेस करंट करंट निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर केवीएल लगा सकते हैं, और केवीएल लगाएंगे तो आप लिखेंगे 5 - 10 IV - 0.7 = 0, तो यहाँ से आप IV कैलकुलेट करेंगे 0.43 मिली एम्पीयर। IV जैसे ही कैलकुलेट होगा तो IV इनटू बीटा, क्योंकि IC हमारा होता है बीटा IV, तो आप IC कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आ जाएगा 4.3 मिली एम्पीयर। अब आपको IC मिल चुका है तो IC का यूज करके आप आउटपुट सर्किट पर KVL लगा सकते हो, तो आप लिखेंगे 10 - IC × 1 - VC = 0, तो आपको VC का जो वोल्टेज है वो मिल जाएगा 5.7 वोल्ट। तो ये वोल्टेज हमारी 5.7 है और ये जो बेस है इसकी वोल्टेज है 0.7 और ये हमारा N है, ये हमारा P है, तो इसका मतलब इस बार N पर वोल्टेज P के कंपैरिजन में ज्यादा है, N पर 5.7 P पर 0.7, तो जैसे ही N पर P से ज्यादा वोल्टेज होती है तो उस जंक्शन को बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। तो जो हमारा आउटपुट जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड है, इनपुट जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड और रिवर्स जब होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो ये वाला सर्किट एक्टिव रीजन को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला रीजन हमारा सैचुरेशन रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस और भी इसी सीरीज में हम डालेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। थैंक यू।